Jai Thakur. Jai Ma. Jai Ma. Jai Swamiji. Jai Swamiji. I feel humbly blessed whenever I get an opportunity. जब भी मुझे आश्रम में आने का इस तरह का मौका मिलता है, मैं ठाकुर का आदेश समझती हूँ और अपने आप को blessed महसूस करती। आपको मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे बताना चाहूंगी। July 15, 2003 जब मैं IIM कलकत्ता में पढ़ा रही थी, मेरी दीक्षा स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज से होती है और मैं 7 सितंबर 2005 को IIM कलकत्ता छोड़ देती हूँ और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ज्वाइन करती हूँ। ये संकल्प लेकर कि श्री रामकृष्णा के टीचिंग्स को हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड लेके जाना, ठाकुर का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर 2007 में मैंने सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस 5 सीरीज शुरू किए ऑन इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। हर अल्टरनेट ईयर 2007 में ही अनाउंस किया कि 2015 का ये आर्ट इंस्टीट्यूट में होगा जहाँ स्वामी जी शिकागो लेक्चर दिए थे। कैसे होगा कुछ नहीं पता था, बस उस भाव में अनाउंस किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे आस्था काम करती है, कैसे द पावर ऑफ फेथ। 2014 जनवरी, शायद 15 जनवरी था, उसका हम लोग कर्टन रेजर दिल्ली में कर रहे थे। डॉक्टर करण सिंह आए थे। करण सिंह कहते हैं, सुनीता, वी थिंक थ्राइस टू डू अ इवेंट इन IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंडियन इंडिया सेंटर है दिल्ली में, आप कैसे करोगे, सब हो जाएगा। तब मैं सबैटिकल ले लेती हूँ, कोशिश किया इंडिया से स्पॉन्सरशिप मिले। उसी दौरान मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद से के कनेक्शन में आई, उनसे मैं मिली जब रामकृष्ण इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ में मुझको बुलाया था, एक उनका कॉन्फ्रेंस था उसमें बोलने के लिए। वहीं स्वामी सर्वप्रियानंदा भी थे और स्वामी सर्वप्रियानंदा was the connecting point between me and getting my initiation. वहीं स्वामी निखिलेश्वरानंदा से भी भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ICCR के तहत ये शुरू करना चाहते थे, ये करना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन हो नहीं पाया था। मैंने अपने LIC को तोड़कर
Fullerton Hall Art Institute ko sabse pehle book kar diya. Swami ji bole, Sunita, aapka pehla step to ho gaya hai, jo biggest hurdle. Phir main sabbatical lekar, almost I was stationed at Devon Street, Chicago. Yahan India mein dar dar sponsorship ke liye bhatakti rahi, ek paisa bhi nahi mila. Mera sirf ek hi sankalp tha, jis hall se Swami Vivekanand bane, us hall mein unke master ki charcha honi chahiye. Bas yahi ek sankalp tha aur koi sankalp nahi tha. Main jaati hu wahan, thehrti hu, Chicago ki janta, Gujaratis, all Patels there, they supported it. Aur ye bahut bada saubhagya hai ki Rajkot ashram mein khadi hokar main ye baat keh rahi hu. Wahan Bhai Lal Patel hain, desi talk ke, unhone apne office mein ek space de diya. बोले तुम यहाँ बैठो, इसमें कहते हैं ब्रह्म का आशीर्वाद है, लोग फले हैं यहाँ से, तुम यहाँ बैठो, यहाँ से काम. टीवी एशिया वंदना झिंगन, शी वॉज वाइडली कवरिंग मी. हल्ला हुआ, एक हिंदुस्तान की महिला आई हैं, भारत से आई हैं, जो स्वामी विवेकानंद पर कॉन्फ्रेंस करना चाहती. मफत भाई पटेल और ढेर सारे पटेल्स, ऑल पटेल्स फ्रॉम देवान स्ट्रीट. सब कोई $5,000 दे रहा है, कोई 1,000, कोई 500. मैंने कहा मैं तो भिक्षाम दे ही देख करने ही आई हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम कोई नहीं रोक सकता, ये दृढ़ विश्वास था. यहाँ से ICCR ने उस वक्त कहा था कि कुछ सपोर्ट करेंगे 4-5 स्पीकर्स का, विच दे सेड बिकॉज ऑफ फिनेंशियल करंज वी कैन नॉट डू. और एक आध और थे जो प्रॉमिस किए थे, लेकिन नहीं हुआ. मैं जिसके घर में पीजी थी, वो लोग दिल्ली से थे, कहते थे बेटा कैसे करोगे, सब होगा. और वो हस्बैंड वाइफ बूढ़े बहुत परेशान हो गए मुझको देखकर, ये कैसे करेंगे. आर्ट इंस्टीट्यूट से $40,000 का फूड का MOU साइन था. लोगों ने कहा लुक सुनीता, दिस इज US, यहाँ अगर एक बार लीगल पेपर साइन होता है दे विल शू यू. अरे अगर ठाकुर की यही इच्छा है तो यही सही. देन आई रोट टू आर्ट इंस्टीट्यूट कि मैं ये फूड का जो अग्रीमेंट है ये कैंसिल करना चाहती हूँ, सिर्फ हॉल मुझको चाहिए, फुलरटन हॉल, जिसका पेमेंट मैं कर चुकी थी. दे वेंट आउट ऑफ द वे एंड दे कैंसल्ड इट. ये भी उन्हीं की इच्छा. फिर भाई लाल पटेल इतने घबरा गए, बोले कि बहना तू एक काम कर, तू घूम घाम कर वापस चली जा. बोले आर यू क्रेजी, यू आर क्रेजी, बोले जस्ट वेट एंड वॉच. मुझे ये दृढ़ विश्वास था कोई नहीं रोक सकता है इसको. एक सप्ताह के अंदर थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. वी डिड द कॉन्फ्रेंस विद ठाकुर्स ग्रेस. एंड मैं बताना चाहूंगी, उसी दौरान मैं स्वामी इष्टात्मानंदा जी से भी मिली, वेदांता सेंटर शिकागो. उन्होंने कहा हाउ विल यू, मैं ऐसे प्रणाम कर रही थी, उन्होंने कहा हाउ विल यू डू इट. उनके रूम में ऊपर ठाकुर की तस्वीर, मैंने कहा आई विल नॉट डू इट, ही विल डू इट. एंड इट हैपेंड विथ अ ग्रेट ब्लेसिंग. और उसी हॉल से फिर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका गूंजा और पूरे शिकागो में फैला. आई फेल्ट ब्लेस्ड. स्वामी निखिलेश्वरानंदा जी वॉज देयर एंड उनका सपोर्ट थ्रू आउट. आई यूज टू टॉक कैसे करना है, क्या करना है, वॉज देयर.
So that is my connection with Swami Nikhileshwarananda ji. This was prelude to 125 years of Swamiji's Chicago lecture. Us saal 11 September ko humne ISOL Chicago Declaration launch kiya, jisse mein aur ISOL Global Foundation ko launch kiya, jo ab US mein registered hai, with a purpose to spread Indian culture and philosophy in management. Hamara 10 volume of compendium on integrating spirituality and organizational leadership was also launched. Fir hua jab 125 saal aa rahi hai Swami ji ki, then I contacted once again ICCR. ICCR sponsored 16 speakers. I got support from public sectors like GAIL, IOCL, Hindustan Petroleum and Shri. Humne 2015 mein inaugural awards, distinguished awards, Trinity ke naam pe kiya. Shri Ramakrishna Institutional Award, Ma Sharda Women Leadership Award, Swami Vivekananda Leadership Award. Aur 2018 mein hum logon ne Aatpur Ramakrishna Mission ko Shri Ramakrishna Institutional Award se sammanit kiya. 2013 mein mujhko yaad hai jab Burdwan University mein main launch kar rahi thi jo 2015 ke conference ko, aur Belur Math se vibhinn swami ji log ka hamesha aashirwad raha, president maharaj ka dono event mein blessings aaya, to main Aatpur gayi. Wahan jaakar dekha ki ye to yahi to Belur Math ki neev padi thi aur Aatpur hamesha dimag pe chhaya raha. To jab 2018 ke Shri Ramakrishna Institutional Award ki baat aayi, unke alawa kisi ka dhyan hi nahi aaya. Main Belur Math ko puri duniya janti hai, Aatpur ko bhi janni chahiye ki yahan pe wo beej boye gaye the. That was the only spirit, and Swami Sarvasthananda received that on behalf of Aatpur Ashram. I feel I am a blessed soul. ISL Foundation, same spirited logon ka ek choti si sanstha hai. It's a research based management education initiative जिससे हम जर्नल्स निकालते हैं और दूसरे वॉल्यूम्स पब्लिश करते हैं. द होल फोकस इज कि ट्रिनिटी के टीचिंग्स को हम कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करें. स्वामी जी को वी हम्बली ट्राई टू अंडरस्टैंड एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए स्ट्रैटेजिस्ट. दुनिया उनको स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जानती हैं, गेट पेट्रोटिक के रूप में जानते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज इकोनॉमिक थॉट्स, हिज स्ट्रैटेजिक स्पिरिट एंड हाउ ही कंट्रीब्यूट्स टू मैनेजमेंट. सो कंप्लीट वॉल्यूम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पे काम हो रहा है. एफएमएस में इस साल मैंने इंडियन कल्चर, फिलॉसफी एंड मैनेजमेंट को इंक्लूड किया रिवाइज्ड सिलेबस में. FMS में मैंने स्पिरिचुअल वैल्यूज फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्लूड किया एज ए कोर्स. आई डेवलप दोस कोर्स एंड अभी हमारा सिलेबस जस्ट रिवाइज हुआ, नाउ इट्स पार्ट ऑफ दैट. सो यही एक छोटी सी यात्रा है, माइल्स टू गो. बस ट्रिनिटी की ब्लेसिंग से आगे बढ़ती रही हूँ और आप लोगों का साथ रहे. अभी लंदन में जून में थी, I visited the house. Swami Sarvasthananda ne kaha ki to where you are staying, Swami ji stayed there and met Sister Nivedita for the first time. Main wahan bhi gayi. Kisi ka private makan tha, bahut insist karne ke baad that old lady, she opened it. And then I went inside. 2021 mein ऐसा सोचती हूँ स्वामी जी का लंदन विजिट का एक बड़ा कार्यक्रम रखूं. मैं शेयर करना चाहूँगी जब 2015 में लास्ट दिन, और हर कार्यक्रम पार्लियामेंट ने
pre-parliament event ke roop mein kiya hai, chahe wo 15 ka karyakram raha, chahe hamara Canada ka 2017 ka karyakram raha, chahe 18 ka karyakram raha, aur har mein unke president bhi aaye. 15 ke karyakram mein concluding day Imam Muhajid aaye. Now Imam Muhajid concluding session le rahe the Fullerton Hall Art Institute. Kahe, it's quite strange that no parliament took place in India, and when Swamiji came here, he became so famous, Swami Vivekananda. Main unko beech mein kaat ke maine kaha, Swami Vivekananda was trained by a master who in 1872 laid the foundation of liberal faith. Being trained by such a master, he was acknowledged for that. America did not make him Swami Vivekananda. He was already there. Sabse pehle interfaith ki sthapna Thakur ne swayam ki thi. Rigveda swayam kehta hai, ekam satya vipra bahudha vadanti. We belong to a nation, we belong to a religion which believes in inclusion, principle of inclusion. And all the distinguished speakers have talked in their own way how this inclusion takes place. So, yahi ek choti si yatra hai, aur mujhe main Swami Nikhileshwaranand ji ka bahut dhanyavad karti hoon, unhone ye mauka diya. Maine jab wo mujhko brochure bheje to maine kaha main aana chahungi, to unhone kaha aa rahe ho to fir bolo isme. और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत धन्यवाद.